लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। करेली तहसील के अंतर्गत ग्राम आमगांव बड़ा के बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय में औचक निरीक्षण करने आए डॉक्टर आर के स्वर्णकार ने विद्यालय की कक्षाओं में जाकर छात्रों का शैक्षणिक स्तर देखा, संवाद किया व नैतिक शिक्षा पर काफी जोर दिया। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय में उपस्थित पाए गए, शिक्षकों का भी मार्गदर्शन किया गया। उच्चतर विभाग में चल रही त्रैमासिक परीक्षा का अवलोकन किया तथा उपस्थित स्टाफ का भी मार्गदर्शन किया। निरीक्षण के समय विद्यालय में जिला पंचायत सदस्य सीताराम नामदेव, विधायक प्रतिनिधि राम स्नेही पाठक, कैलाश चंद सोनी, सेवानिवृत्त प्रधान पाठक एवं अध्यक्ष स्वर्णकार समाज आमगांव बड़ा शैलेंद्र गुप्ता, विकास खंड शिक्षा अधिकारी करेली मुकेश कुमार नेमा, BRC करेली प्रमोद गुमास्ता, जन शिक्षक सहित समस्त गणमान्य नागरिकों ने संयुक्त संचालक का ध्यान से सुना। आइए दिखाते हैं खबर विस्तार से। सर, आज का जो औचक निरीक्षण हुआ उसके बारे में। हाँ, आज हम लोग विद्यालय में अपने उपस्थित थे, टीचिंग कर रहे थे, अचानक देखिए एक गाड़ी आई हुई है और उसमें पता चला कि हमारे संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग से आदरणीय JD सर हैं। उन्होंने हमारे विद्यालय का निरीक्षण किया और प्रत्येक कक्षा में जाकर बच्चों से सवाल पूछे, कक्षा की साफ सफाई देखी और बच्चों ने उनके सवालों का अनुकूल जवाब भी दिया, मार्गदर्शन भी दिया, उन्होंने संवाद भी किया बच्चों के साथ, हम लोगों को भी मार्गदर्शन दिया और बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हमारे अधिकारी हमारा मार्गदर्शन करते रहे, हमारे उत्साह में वृद्धि हुई और हम बहुत और भी अच्छा काम करेंगे। हालांकि JD सर ने विद्यालय परिसर को देखा, फुलवारी को देखा और बच्चों के स्तर को देखा, उन्होंने बहुत तारीफ भी की है, हमें बहुत अच्छा लगा। मैम, जो अचानक आज औचक निरीक्षण हुआ उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, आज 10:30 के लगभग हमारे यहाँ सब क्लासेस लग गई थी, सारे शिक्षक क्लास में पहुँच गए थे और मैं ऑफिस वर्क में थी, अचानक से गाड़ी देखी तो पता चला ज्वाइंट डायरेक्टर सर आए हैं और आकर उन्होंने सभी बच्चों से क्लास में जानकारी ली, पढ़ाई के बारे में पूछा, सभी बच्चों ने अनुकूल उत्तर दिया, वो बहुत खुश हुए। इसके साथ ही कुछ सर ने कहा था कि बच्चों को असेंबल कीजिए, कुछ नैतिक शिक्षा की जानकारी हम बच्चों को देना चाहते हैं, कुछ बच्चों से क्वेश्चन किए और इसके बाद बच्चों को बहुत सारगर्भित बातें बताई, बच्चों को ही नहीं वो हमारे हितार्थ भी थी, बहुत सारी बहुत अच्छी बातें बताई और कुछ कार्य जो हम लोगों को करने के लिए कहा कि बच्चों को आप कुछ ऐसी सारगर्भित पुस्तकें 40 वगैरह और अच्छी जो पुस्तकें हैं वो बच्चों को दें, तो सर से प्रॉमिस किया है कि हमारे नैतिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार के लिए आगे कुछ उपयोगी पुस्तकें भी हम लोग ला कर दें। और निरीक्षण में सर ने सभी बहुत अच्छा दिखा, अच्छा स्तर पाया गया। सर, आज जो शाला में औचक जो निरीक्षण हुआ है उसके बारे में कुछ बताएं। आज हमारे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया, जिसमें हमने हमारे यहाँ होने वाली परीक्षा का अवलोकन किया और बाहर साफ सफाई का अवलोकन किया और यहाँ की तारीफ करके गए हैं और हमें जो है बोल के गए हैं कि सुधार के लिए जो भी बोला है तो सुधार किए गए विद्यालय। और सर ने क्या बोला है इस विद्यालय के बारे में? सर ने बोला कि विद्यालय अच्छा है, बच्चे भी यहाँ के अच्छे हैं, उनमें विद्यार्थियों से कुछ सवाल पूछे, जैसे मिडिल विभाग के विद्यार्थी थे, कुछ हाई स्कूल के विद्यार्थी थे, उन्होंने जो प्रश्न पूछे बच्चों ने उनका अच्छे से जवाब दिया और वो गाइडेंस भी देते हैं कि हमारे जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लगभग 5 को उन्होंने बताया। और विद्यालय में सारे शिक्षक मौजूद थे जब निरीक्षण? विद्यालय में सारे शिक्षक मौजूद थे, दोनों विद्यालय का माध्यमिक विभाग का और उच्चतर विभाग का निरीक्षण आज उन्होंने किया और अच्छा बोल के गए। सर, आज के दौरे के बारे में कुछ बताएं। मेरा उद्देश्य यह था कि जो हमारी परीक्षाएं चल रही हैं उनको देखना कि किस तरह से परीक्षाएं संचालित हो रही है, दूसरा हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं वो सही टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं, हमारे शिक्षक उपस्थित हैं कि नहीं है, तो इसलिए मेरा ये औचक निरीक्षण था। मतलब किसी को पूर्व सूचना नहीं है, न यहाँ के प्राचार्य को भी पता होगा, किसी को नहीं, एडरेंडम मैंने किया और मैंने देखा कि यहाँ पर सारे लोग सारे शिक्षक उपस्थित पाए गए, बच्चे भी उपस्थित हैं, बच्चों के साथ भी हमने बातचीत की और उनके ये जाना कि जो कक्षाएँ कैसी चल रही हैं
इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने बातचीत किया और मेरा ये उद्देश्य ये है कि हमारे पूरे संभाग में सारे शिक्षक मिलकर के अच्छा काम करें, जैसे कि हमारी शिक्षा का जो गुणवत्ता में कमी आ रही है उसको हम ठीक करें और ख़ास तौर से बच्चों में संस्कार युक्त शिक्षा हम कैसे दे सकें। उसके लिए मैंने दुबे मैडम से कहा कि उन्होंने वादा किया कि हम सभी बच्चों के लिए जो छोटे छोटे चाहे गीता प्रेस की जो किताबें हैं जो बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हैं, अच्छे बालक हैं, अच्छी बालिकाएँ हैं, वीरांगनाएँ हैं जो देश के कर्णधार हुए हैं, उन सब के बारे में इस तरह का एक पुस्तकालय डेवलप करें वो और बच्चों को ये सारी शिक्षाएँ दें। और हर शनिवार को जो हमारी बाल सभा होती है उस बाल सभा में बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करें, इसलिए संस्कार युक्त शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा में गुणवत्ता होना चाहिए। सबसे बड़ी क्वालिटी है कि बच्चा आठवीं पास कर लेता है लेकिन फिर भी उसको हिंदी लिख तो लेता है लेकिन बोलना और बहुत सारी चीज़ें पढ़ना नहीं जानता है वो, तो उसके बारे में हमने ज़्यादा बातचीत की कि अगर हमारी हिंदी और गणित मजबूत है तो और विषयों को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। आज के हमने उद्देश्य यही था। और दूसरा है कि पर्यावरण जागरूकता के प्रति भी हमने किया है, एक वृक्ष भी हमने अभी आज लगाया है और इस तरह के वृक्षारोपण ये करेंगे। और बाउंड्री वाल के हमने विधायक प्रतिनिधि से भी बात किया, जिला पंचायत सदस्य भी बातचीत किया कि एक बाउंड्री वाल का एक प्रस्ताव बनवा करके दे ताकि हमारे जो विद्यालय है उसकी सुरक्षा हो सके। धन्यवाद। और कहाँ कहाँ पर निरीक्षण किया सर आपने जिले में? मैं अभी तो मैंने पहला है, अभी मैं CM राउच करेली में जाऊँगा, इसके बाद फिर मुझे गाडरवारा में 3 स्कूल हैं उसमें से किसी एक स्कूल में जाऊँगा। अभी मुझे बताया नहीं किसी को कौन से स्कूल में जाना है, ये वहीं जाके मैं डिसाइड करूँगा कौन से स्कूल में जाना है, BTI में जाना है कि कन्याशाला में जाना है कि, तो इस तरह से मैं पूरा चीज़ें देखूँगा। धन्यवाद सर। एक ग्रुप फोटो